आप सबका स्वागत है। नमस्कार। 3000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स लॉग इन हो चुके हैं और आप सब जो अब भी लॉग इन हो रहे हैं आप सबका भी स्वागत है। सबसे पहले पैनल जो हमारे साथ है उनका इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं, वैसे जरूरत नहीं है। नीलेश शाह एमडी एंड सीईओ कोटक म्यूचुअल फंड के, जो जबरदस्त एक्सपीरियंस रखते हैं डेट और इक्विटी मार्केट का, इकोनॉमी का, माइक्रो का, मैक्रो का, हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के बाहर का भी हमारे साथ हैं। पॉलिसी मैटर्स के साथ साथ मार्केट पर गहरी पकड़, साथ ही हमारे साथ हैं नवनीत मुनोत साहब जो एसबीआई म्यूचुअल फंड के सीआईओ हैं। और इस वक्त नवनीत जी के लिए एक और बड़ा अचीवमेंट, एसेट अंडर मैनेजमेंट के मामले में एसबीआई म्यूचुअल फंड इसी महीने में टॉप करता हुआ दिखा है। नवनीत जी बधाई आपको, और नवनीत जी की भी उतनी ही तगड़ी ग्रिप है इक्विटी पर, डेट पर और सारे मार्केट्स पर भी। हमारे साथ हम जाने माने फंड मैनेजर और जबरदस्त कंपनियों पर पकड़ रखने वाले, स्टॉक पिकिंग में वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स सुनील सिंघानिया साहब है, एबेकस एसेट मैनेजर्स के फाउंडर। सुनील जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और जबरदस्त थॉट लीडरशिप रखने वाले, कई बुक्स के राइटर, थॉटफुल इन्वेस्टर, बहुत ही जानी मानी किताब है। आपने पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़िए। बसंत माहेश्वरी साहब हमारे साथ हैं, बसंत माहेश्वरी फंड मैनेजर्स एलएलपी के फाउंडर और पार्टनर, आप सबका स्वागत है। शुरुआत इस मुश्किल समय में एक शेयर के साथ करता हूं, बहुत कुछ सिखाया जिंदगी के सफर ने अनजाने में, बहुत कुछ सिखाया जिंदगी के सफर ने अनजाने में, वो किताबों में दर्ज था ही नहीं जो पढ़ाया सबक जमाने ने, वो किताबों में दर्ज था ही नहीं जो पढ़ाया सबक जमाने ने। यानी कि इन एक महीने में जो कुछ सबक हमने सीखा ये पूरी तरह से आउट ऑफ सिलेबस था। या जिंदगी में आपने हमने कभी सोचा नहीं कि क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो चलिए शुरुआत कुछ पॉजिटिव चीजों के साथ करते हैं, और सबसे बड़ी और पॉजिटिव चीज इस वक्त की क्या है? हमने इस कोरोना वायरस, लॉकडाउन और लाइफ जो स्टैंडस्टिल पूरी जैम हो चुकी है, इसमें इंडिया के लिए, इंडिया के मार्केट्स के लिए, इंडिया की इकोनॉमी के लिए क्या पॉजिटिव है, इससे करते हैं शुरुआत। नीलेश भाई बताइए। ये एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस है, हमने पहले मेडिकल क्राइसिस देखे हैं, जैसे सूरत का प्लेग था, इबोला, जीका, सार्स, मर्स था, फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखे, 2008 का सबप्राइम था, 2013 का टेपर टेंट्रम था, बट फाइनेंशियल और मेडिकल क्राइसिस दोनों एक साथ पहली बार देख रहे हैं। एंड जैसे कि आपने कहा है कि पेन क्या है वो तो सबको मालूम है, गेन क्या हो सकता है उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे बड़ा गेन भारत को होगा, कच्चे तेल की कीमत पे कम हो गई है, $70 से $30 के आसपास। हम 1.5 बिलियन बैरल ऑयल इंपोर्ट करते हैं सालाना, $1 से ऑयल प्राइस कम होगी तो $1.5 बिलियन की कंट्री को बचत होगी। हम चाइना से तकरीबन $60 बिलियन की ट्रेड डेफिसिट चलाते हैं विदाउट टेकिंग इन टू अकाउंट हवाला ट्रांजेक्शन एंड राउटिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज। अब चूंकि शिप्स उतनी तेजी से मूव नहीं कर रही है तो ये जो चाइना से माल आता था वो थोड़ा कम हो जाएगा, उसमें से कुछ माल सामान हम मेड इन इंडिया से रिप्लेस कर पाएंगे। तो हो सकता है इस साल हम चाइना से अपनी ट्रेड डेफिसिट $10-12 बिलियन कम कर पाए। तीसरी चीज, हमने मार्च महीने में $16 बिलियन भारत की मार्केट से निकलते देखा, $8.5 बिलियन इक्विटी में, $7.5 बिलियन डेट में, लेकिन ये सारा पैसा उस जगह गया है जहां पे इंटरेस्ट रेट हमसे नेगेटिव है, ग्रोथ हमसे लोअर है और कोरोना वायरस पेशेंट हमसे ज्यादा है। सो आज नहीं तो कल देर सवेर ये पैसा वापस आ सकता है। नवनीत जी, ग्लोबल सिचुएशन को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से हमें एडवांटेज लेना चाहिए? तो सबसे पहले तो अगर लॉकडाउन की वजह से और दूसरे जो मेजर्स लिए गए हैं उनकी वजह से अगर इंडिया उसी कर्व पर नहीं जाता है जहां भी यूरोप के या यूएस वगैरह है, तो वो ही एक बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। जान है तो जहान है। इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से पूरे विश्व में जिस तरह से एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी हर एक देश ने यूज करी है, चाहे रेट कट हो, चाहे यूएस फेडरल रिजर्व देखोगे तो वो तो ट्रेजरी बॉन्ड्स, असेट बैक सिक्योरिटीज, कमर्शियल पेपर, मनी मार्केट फंड, बॉन्ड फंड सब कुछ खरीद रहे हैं। इक्विटी बाकी है, मेरे ख्याल में थोड़े टाइम में शायद वो भी चालू कर दें, कई दूसरे सेंट्रल बैंक है तो वो इक्विटी भी खरीद रहे हैं।
और फिस्कल पॉलिसी भी बहुत अग्रेसिव है। यूएस में 10% ऑफ जीडीपी ऑलरेडी अनाउंस हो गया, जापान का आपने सुना होगा अभी हफ्ते में 20% ऑफ जीडीपी। तो मेरे ख्याल में भारत को भी बोल्ड होना होगा। मॉनेटरी पॉलिसी में हमने लिक्विडिटी रिलीज करी है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिक्विडिटी, हमने अपने इतिहास में कभी भी इतनी लिक्विडिटी रिलीज नहीं करी, पर वो ट्रिपल ए डबल ए के नीचे नहीं जाएगी, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी चीज जो मॉरेटोरियम है 90 डेज का वो बहुत अच्छा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद तीसरी चीज भी करनी पड़ जाए रेगुलेटर्स को, वो है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स। ये हालांकि फिलोसॉफिकली आईबीसी एक्यूआर एनसीएलटी उनके अगेंस्ट है जो हम कोशिश कर रहे हैं 3-4 सालों से, पर अभी एक ऐसा समय है जब काफी कंपनियों को रीस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत पड़ जाएगी, बैलेंस शीट इतनी डैमेज हो जाएगी। आपके 2-3 महीने के आप कॉस्ट पे कर रहे हो और रेवेन्यू आपका 9 महीने मतलब 12 महीने की कॉस्ट पे करोगे, रेवेन्यू शायद 8 या 9 महीने का ही आएगा, तो उनको रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी। और उसके अलावा भी काफी ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, हम कुछ क्रिएटिव तरीके से बोल्ड तरीके से, तो नीलेश भाई ने क्रूड ऑयल की बात करी, क्या हम हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स को यूज कर सकते हैं, क्रूड ऑयल का रिजर्व बना लें ये 25-30 डॉलर पर, क्या हम कुछ गोल्ड का मोनेटाइजेशन करके पैसे उठा लें, क्या हम हमारी ऑटो इंडस्ट्री को सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करके BS6 पर रिलीफ दिला दें, क्या हम हमारी रियल एस्टेट सेक्टर को कुछ एक्स्ट्रा FSI वगैरह देकर के कुछ रिलीफ दे दें, क्या हम हमारे टेलीकॉम सेक्टर को AGR का रिलीफ है या कुछ एक्स्ट्रा स्पेक्ट, उनको क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा जो भी इंडस्ट्रीज प्रॉब्लम में आ रही है या आएगी उनको हम किस तरह से फिस्कल मेजर से, टैक्सेशन मेजर से, रेगुलेटरी से, जुडिशियल से, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से, किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा बिजनेसों को आगे बचा पाए, ताकि जब वो अपॉर्चुनिटी आएगी 6 महीने साल भर बाद, तब भारत इस स्थिति में रहे कि जैसे मैं बोलता हूँ Y2K मूवमेंट अगर हमारे लिए आ सकता है, जैसा उस समय तकलीफ थी कि वो लोगों को लगा ये कुछ ऐसा वायरस तो ठीक वर्ड नहीं है कि रात को 31 दिसंबर 1999 को कंप्यूटर्स बंद हो जाएंगे तो विश्व का क्या होगा, हमने उसका तरीका ढूंढ लिया, तो हम चाहे हेल्थ केयर के सेक्टर में या दूसरे सेक्टर्स में एक Y2K मूवमेंट का फायदा उठा पाए। नवनीत जी और नीलेश भाई जो बोल रहे हैं उससे एक चीज समझ में आ रही है, वो ये कि इंडिया के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो हमें मिस नहीं करनी चाहिए। लेकिन सुनील जी, इस अपॉर्चुनिटी को मिस करने में रिस्क क्या है, क्या कुछ ऐसे खतरे हैं जो इस वक्त बिजनेस के लिए, इकोनॉमी के लिए और मार्केट के लिए है, जो रिस्क सबसे बड़ी आपको इस वक्त नजर आती है? ये हमारे किसी के भी लाइफ टाइम में पहली बार हुआ ये इवेंट, और हम ये कह सकते हैं कि पहले SARS भी हुआ और प्लेग भी हुआ और अबुला भी हुआ, बट आई थिंक जो एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड और नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट्स इस टाइम है वो पहले कभी हमें देखने नहीं मिले, तो ये एक हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और अब तक वो कंट्रोल में नहीं आए, अब ऑलमोस्ट 1 लाख नए पेशेंट्स हर दिन हमें देखने मिल रहे हैं, इंडिया में भी नंबर बढ़ रहा है, दो इंडिया इज लेस इम्पैक्टेड। आई थिंक थोड़ा सा एक अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली है और हम सब ऑप्टिमिस्टिक हैं, हमें लगता है कि इंडिया आगे भी बहुत ग्रो करेगा, लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो शटडाउन हुआ है 15 दिन और कम से कम और 15-20 दिन पता नहीं कितने दिन शटडाउन रहेगा, उससे काफी बिजनेसेस, काफी लोगों को नियर टर्म में बहुत ही ज्यादा एक प्रेशर पॉइंट आ जाएगा, रोजगार जाएंगे। आई थिंक एक नियर टर्म में जो सबसे बड़ा आई थिंक एक कार्य होगा गवर्नमेंट के लिए वो होगा सोशल स्टिमुलस। फर्स्ट फेज गवर्नमेंट ने दिया है, आई थिंक द बिगेस्ट थिंग इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स इज टू एंश्योर के जैसे वी वांट आर कंपनीज एंड आर यू नो एंटरप्रेन्योर्स एंड कॉर्पोरेट्स ऑल्सो टू सर्वाइव, आई थिंक ह्यूमन बींग ऑल्सो हैव टू सर्वाइव। तो ये जो फिस्कल स्टिमुलस की जो हम बात कर रहे हैं, दिस हैज टू बी एन इंक्लूसिव फिस्कल स्टिमुलस। द बिगेस्ट आई वुड से द बिगेस्ट थिंग विच वी शुड ऑल प्रे, ये जो नंबर जो अभी बढ़ रहे हैं उसमें किसी तरह यू नो एक रुकावट आए। अच्छी चीज ये है कि काफी कंपनियां वैक्सीन की कोशिश कर रही हैं, काफी कंपनियां कोई एंटीडोट कोई दवाई बनाने की कोशिश कर रही हैं, और होपफुली इसका कुछ ना कुछ एक तोड़ निकलेगा। लेकिन नियर टर्म में जो चीज हमें ध्यान में रखनी है वो है कि सर्वाइवल ऑफ बोथ कॉर्पोरेट्स एज वेल एज इंडिविजुअल्स, आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक रिस्क की एक बात कहूँ, सब मेरे ख्याल में नीलेश भाई या सुनील जो बोल रहे थे ना कि काफी बिजनेसेस को बहुत तकलीफ आएगी और आप मॉरेटोरियम दे दोगे, लेकिन हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में थोड़े से चैलेंजेस पहले से ही थे। हमने जो प्राइवेट सेक्टर बैंक की
प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी, कुछ एनबीएफसीज को करी, बट फिर भी कुछ क्षेत्र है बैंकिंग के अंदर एनबीएफसीज में एचएफसीज में जहां थोड़ी सी प्रॉब्लम पहले से थी। अब जो ये स्थिति बनेगी लोअर ग्रोथ की, और चाहे हाउस होल्ड बैलेंस शीट हो, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट हो, सब जगह थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, उसकी वजह से फाइनेंशियल सेक्टर की तकलीफ और नहीं बढ़ जाए, बिकॉज वो लाइफ ब्लड है इकोनॉमी का। अगर उसमें अगर कोई तकलीफ आती है तो उसका ओवरऑल ग्रोथ को बाउंस बैक कराने में बहुत तकलीफ आ सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है, चाहे कुछ भी करना पड़े, कोई भी मेजर लेना पड़े बाय रेगुलेटर्स और बाय गवर्नमेंट, कि फाइनेंशियल सिस्टम को हम हमारे उसकी हेल्थ को इम्पैक्ट नहीं होने दें। इस वक्त एक बार बसंत जी आपके पास आऊंगा, 9000 की निफ्टी में कितना अच्छा और कितना बुरा डिस्काउंटेड है, मतलब हम अच्छा डिस्काउंट कर रहे हैं या बुरा डिस्काउंट कर रहे हैं? बाजार के तौर से अगर आप 30-40-50 कंपनियों को देखेंगे तो हमारी उम्मीद, हमारी आशा वो ETF है जो अमेरिका में जोर से छपेगा नोट और वापस आएगा। उसके अलावा मुझे लगता है बाजार में बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। आप एक हिसाब से अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स देखें तो चार टांगे होती है एक इकोनॉमी की, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। दो विकेट तो आप एक क्लीन बोल्ड हो गए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या करेगी बट एक्सपोर्ट तो आप समझिए होना ही नहीं। अगर एप्पल इंडिया में आईफोन बनाएगा तो वो 2 जुलाई में नहीं बनाएगा, वो अगर आएगा तो शायद 6-8 महीना देरी होगी। प्रॉब्लम है उस आदमी की जो टेलीकॉम में डूबा और घर भाग गया। तो कुछ मौतें कोरोना से हैं जो हम मीडिया में दिखाते हैं, जो हम हाईलाइट करते हैं, जो हम गिनते हैं, रोज हम ट्रैक करते हैं worldometers.info पे जाकर। ऐसी बहुत मौतें हैं जो आने वाली है जिक्र कोई नहीं करेगा, बिकॉज न्यूज बाइट हेडलाइन नहीं बनेगी। वो है आदमी परिवार में सुसाइड कर लिया बिकॉज उनको डॉक्टर्स को निकाल दिया गया। मुझे लगता है ये बिलो द पॉवर्टी लाइन वाला प्रॉब्लम बहुत एक्यूट है, जिसको हम कोरोना के पीछे भूल रहे हैं। पोस्ट कोरोना की लाइफ कुछ और है। इम्पोर्टेंटली अगर आप देखेंगे फैक्ट्री वाले जितने की जान पहचान, वो बोलते हैं मैं सैलरी दू, कैसे दू, आधा दू, कम दू, बेसी दू। नाइन का ग्रेट डिप्रेशन इसलिए आया बिकॉज अमेरिकन कि तुम किसी को नौकरी से नहीं निकालोगे, किसी की सैलरी नहीं काटोगे, बिजनेसेस अनवायबल हो जाती है उससे। इसीलिए अमेरिका अभी क्या कर रहा है, सबको बोल रही है तुम नौकरी में रखो, पैसे हम देंगे तुमको। हमारी गवर्नमेंट कर सकती है, चाहे तो कर सकती है। प्रॉब्लम ये होगा इससे अगर इम्प्लॉयमेंट पॉसिबली लोगों को रखी, बोलेंगे क्या रखिए लोगों को, उतनी ही सैलरी दीजिए और गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं रहेगा तो एंटरप्रेन्योर जो है वो एनजीओज नहीं होते, वो अपना इकोनॉमिक्स देखते हैं, तो आप देखेंगे बंद कर देगा, मतलब बंद कर दो भाई नहीं करना था। तो प्रॉब्लम दो तरफा है, एक तो इकोनॉमी जो पहले 3-4 मुझे लगता है ये साल शायद -5% ग्रो करेगी, और फिर क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट 6-12 महीने के लिए खत्म हो गया, आज का इन्वेस्टमेंट कल का GDP आप समझ लीजिए ये डू और डाई है। पहले 10 ओवर में आपके 5 विकेट गिर गए हैं, आप 250 का मत सोचिए, आप 150 भी बना लेंगे, ग्रीन टॉप है, आप डिफेंड कर लेंगे। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, अब 6-7% तो मुझे लगती है खुद नहीं, अगर 3-5% स्टेबलाइज कर लें और पोस्ट कोरोना की मौत को ज्यादा सोचिए। प्री कोरोना, ड्यूरिंग कोरोना की मौत जो हाईलाइट हो रही है उसका जिक्र करते हैं, पोस्ट कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स बहुत। चलिए, तो मतलब बसंत सर कह रहे हैं कि सिंगल्स लीजिए, चौके छक्के मत मारिए, लेकिन रन रेट इतनी स्लो है कि चौके छक्के मारने की जरूरत तो है। नीलेश भाई, गवर्नमेंट कहाँ मार सकती है चौके छक्के, कहीं मतलब ऐसी लूज बॉल मिलेगी या फिर कहीं फील्डिंग ऐसी सेट है कि जहां से आप रन रेट बढ़ा सके, मतलब कुछ तो ऐसा स्टिमुलस किया जाए जिससे कि थोड़ा जोश बढ़े बाजार में, इकोनॉमी में। इस वक्त सरकार जान के रखवाली कर रही है, जान माल की रखवाली कर रही है, पर कुछ समय में उन्हें रोजगार की रखवाली भी करनी पड़ेगी। जैसे नवनीत जी ने बताया, RBI ने लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में 4 लाख करोड़ से ऊपर डाल दी, बट वो लिक्विडिटी बैंक से बोरोवर तक नहीं पहुंची है। सो एक प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मैं यह लिक्विडिटी इकोनॉमी के सारे सेक्टर को पहुंचा दूंगा, चाहे उसके लिए कोई भी कदम उठाना पड़े। मॉनेटरी स्टिम्यूलस जो है उसे क्रेडिट ट्रांसमिशन और इंटरेस्ट रेट ट्रांसमिशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज फिस्कल साइड पे आती है, जैसे सुनील ने बताया कि हालत इस वक्त खस्ता है और लॉकडाउन के बाद भी हमें बहुत सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे सेक्टर को सपोर्ट चाहिए,
और इस वक्त हमें वो सपोर्ट देना जरूरी है। ये जो फिस्कल स्टिम्यूलस है उसके लिए हमें इन सारी इंडस्ट्री एसोसिएशन से बातचीत करके एक रास्ता अपनाना चाहिए। पहले सरकार ने कहा कि हम फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स नहीं करेंगे बिकॉज हमें खुद को जरूरत है। 26 सब्सटेंस को बैन किया गया। फार्मा इंडस्ट्री सरकार के पास गई कि नंबर वन हमारे पास कैपेसिटी अपनी जरूरत को पहुंचने के लिए और दुनिया की जरूरत देने के लिए। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर हम बुरे वक्त में लोगों के साथ नहीं खड़े रहेंगे तो अच्छे वक्त में हमारे साथ कौन खड़ा रहेगा। बाकी देशों ने अलग अलग तरीके से यही मैसेज दिया। अमेरिका ने पहले रिक्वेस्ट की, फिर रिटालिएशन की बात की। ब्राजील ने हनुमान जी रामायण और संजीवनी बूटी की याद दिलाई, वो भी हनुमान जयंती के दिन के ऊपर। अल्टीमेटली सरकार ने एक मैच्योर डिसीजन लिया कि हम लोकल मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट करेंगे कि वो प्रोडक्शन रैंप अप कर ले और दुनिया भर के देशों को हम ये मेडिसिन सप्लाई करेंगे ताकि इस बुरे वक्त में हमने जो सपोर्ट दिया है वो अच्छे वक्त में लोग याद रखें। ये जो चौके छक्के सरकार ने हमारे बिस्किट मैन्युफैक्चरर के लिए, फार्मा के लिए, वही चौके छक्के उन्हें हर इंडस्ट्री के लिए, हर बिजनेसमैन के लिए मारने की जरूरत है। उन्होंने जो ये काम तेजी से किया उसी तेजी से, उसी डिसिसिवनेस से उन्हें बाकी सारी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने की जरूरत है। फिस्कल और मॉनिटरी स्टिम्युलस ये दो पहिए हैं जो साथ में चलने चाहिए। अगर ये दोनों साथ में चले तो कोरोना वायरस से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। इंटरेस्टिंग। चलिए, ये बहुत कुछ एक्शन जो सरकार कर सकती है, करना चाहिए। थोड़ा सा मैं डिस्कशन को मार्केट की तरफ लाता हूँ। सुनील जी, बाजार के लिए जो वर्स्ट सबसे खराब था वो निकल गया या अभी भी वो एक रिस्क ओपन है कि हम नीचे और जा सकते हैं और अच्छा खासा जा सकते हैं? आई थिंक ग्लोबली एक बहुत ही जोर से रिएक्शन आया था और लास्ट वीक एक्चुअली काफी मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट वीक्स ऑफ ऑल टाइम था। जैसे यूएस मार्केट ऑलमोस्ट 20% बढ़ गया, इंडियन मार्केट भी 8000 निफ्टी नीचे आने के बाद में 9000 आया। आई थिंक थोड़ा एक जो आई वुड से ओवर रिएक्शन था वो थोड़े हद तक करेक्ट हुआ है, लेकिन आई थिंक मेरा मानना है कि अभी हम में से किसी को भी ये पता नहीं है कि ये 15 दिन तक चलने वाला है कि 1 महीने तक चलने वाला है। मेरे हिसाब से 3 सिनारियो है। जो सबसे डरावना सिनारियो है कि 3-4 महीने तक ये ऐसे चलेगा, उस केस में आई वुड से द डाउनसाइड इज डेफिनेटली गोइंग टू बी मच मोर। दूसरा बहुत ही अच्छा सिनारियो ये है कि भाई 14 अप्रैल 15 अप्रैल के बाद पार्शियल लिफ्ट अप हो जाए, थोड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो जाए और 1 महीने के आसपास में ये सब ठीक हो जाए। आई थिंक अगर वो सिनारियो रहता है तो ऑब्वियसली बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में है। और जो बीच का जो सिनारियो है जो मोर रियलिस्टिक है कि भाई ये 2-3 हफ्ते तक और लॉकडाउन चलेगा फिर धीरे धीरे खुलेगा, उसका मतलब ये होगा कि जो जून क्वार्टर है वो काफी कंपनियों के लिए एक वॉशआउट क्वार्टर होगा। वो क्वार्टर अगर वो जो रियलिस्टिक सिनारियो को हम देखें तो आई थिंक मार्केट इज इवनली पॉइज्ड। मेरा ये मानना है कि जो नियर टर्म मार्केट का मूवमेंट है दैट इज नॉट गोइंग टू बी ऑन फंडामेंटल बेसिस, वो पूरा न्यूज फ्लो पे होगा। वी आर इन अ गुड कंसोलिडेशन जोन बट इंडिविजुअल स्टॉक्स में यू विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। आई वुड से दैट निफ्टी माइट स्टे एट दीज लेवल्स। नियर टर्म मूवमेंट विल बी प्योरली बेस्ड ऑन कोरोना न्यूज फ्लो बट एस ए वन वे वी शेप रिकवरी डजंट सीम टू बी पॉसिबल। बहुत ज्यादा डाउनसाइड रिस्क नहीं है और नहीं वी शेप रिकवरी। लेकिन नवनीत जी, फिर आप फोकस कहाँ करना है? जो कुछ भी गवर्नमेंट के एक्शन हो रहे हैं दुनिया भर में, सेंट्रल बैंक्स के एक्शन हो रहे हैं, उससे तेजी बनेगी या कोरोना के सॉल्यूशन से? आई थिंक 2020 वो एक ऐसा टिपिंग पॉइंट है कि जहां पर शायद एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पर मॉनेटरी पॉलिसी अलोन कैनॉट सेव द मार्केट्स, फिस्कल पॉलिसी हैज टू प्ले अ वेरी बिग रोल। और अगले कई वर्षों तक अगर आप हिस्ट्री देखोगे विश्व की, जब भी ऐसे क्राइसिस आते हैं उसके कई अच्छे परिणाम भी होते हैं। मुझे लगता है ग्लोबल हेल्थ बूम आने वाला है, मतलब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स विल गेट स्पेंड ऑन हेल्थ केयर ग्लोबली। मतलब हमारी बजट स्पीच में शायद 3 मिनट होते हुए 2 घंटे की स्पीच में, अगले साल आई कैन विजुअलाइज 20 मिनट की स्पीच हेल्थ केयर पे होगी। ग्लोबल डिजिटल बूम होगा बिकॉज ये जो स्थिति हमने देखी है उसके बाद पता चला है कि इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी गवर्नेंस के लिए, बिजनेसेस के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए। तो नई चीजें आएगी, आर वी आर, बहुत सारी चीजें आएगी।
ग्लोबल इंफ्रा बूम में आई एम वेरी कन्विंस्ड कि ये तो समय निकल जाएगा अगले दो चार छह महीने का कोरोना को कंट्रोल करने में, बट गवर्नमेंट्स को ग्लोबली लगेगा कि जीरो रेट से, नेगेटिव रेट से, मॉनेटरी पॉलिसी से ग्रोथ नहीं आ सकती है, फिस्कल पॉलिसी को बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा, वी विल ऑल बी कीनेजियन। एंड जो हमने वर्ल्ड वॉर के बाद या पहले क्राइसिस के बाद देखा है, सारी गवर्नमेंट्स यूएस में, जर्मनी में, दूसरी जगह बोलेगी कि हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, और वो ही वापस एक सस्टेनेबल ग्रोथ लेकर के आएगा। तो ये सब के अंदर भारत अपना रोल किस तरह से अदा कर पाता है, और वही वर्ड जैसा सुनील ने भी पहले बोला, नीलेश भाई ने बोला कि बहुत आवश्यकता है कि अगले कुछ महीनों तक हम किस तरह से बिजनेसेस को बचा पाए। मार्केट के हिसाब से जब हम स्टॉक्स खरीदते हैं, पसंद बेटर बताएंगे, अच्छी कंपनी, अच्छा मैनेजमेंट और रीजनेबल प्राइस पे मिल जाए। दो महीने पहले ना ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिलना बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। अगर बहुत ही ग्रेट बिजनेस है, ग्रेट मैनेजमेंट है, तो वैल्यूएशन बहुत महंगा था। अब ये एक अपॉर्चुनिटी आ गई कि कुछ कई अच्छे बिजनेस, अच्छे मैनेजमेंट भी आपको रीजनेबल वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं। आपकी एक्सेल शीट में आप 2021 और 22 का वर्स्ट पॉसिबल सिनारियो, जो सुनील ने तीन बोला, मैं तो बोल रहा हूँ तीसरा वाला सिनारियो डाल दो, और उसके बाद में देखो कि 2022 से 2040 तक कंपनी की वैल्यू क्या बन सकती है, और आज आप प्रेजेंट वैल्यू क्या दे रहे हो। आपको वो स्टॉक्स में मेरे ख्याल में आपको धीरे धीरे, ये अगर वॉलेटिलिटी रहेगी तो काफी समय तक रहने वाली है, जैसा सुनील ने कहा, उसमें आपको उन स्टॉक्स पे ध्यान देना है। तो बसंत जी, क्या ऐसा मार्केट है जहां आपको देख के लगता है, मुंह में पानी आता है कि मैं शेयर है ना 10-20-25 हजार ना खरीदूं, 2-5-10% स्टेक खरीदूं कंपनी में, क्या वैसा माहौल बन चुका है? और यदि हाँ, तो फिर खरीदना क्या है, लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स? मतलब ये जब मुंह में पानी आता है तो आंख में भी पानी आता है भाव देखकर। बात ये है कि तेजी के सांड है, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं, लेकिन जब लेने का समय आता है तो आप घबरा जाएंगे सोच कर ये क्या बैंकरप्ट। ये मेरा सिंपल सिस्टम है, अगर कोई स्टॉक 40-50% गिरा है तो ह्यूज प्रॉब्लम, टेम्पररी प्रॉब्लम, एक साल का प्रॉब्लम। 60% से 80% अगर चला गया, इट्स स्टार्टिंग टू डिस्काउंट बैंकरप्सी। तो कुछ कुछ स्टॉक पिछले हफ्ते आप देखेंगे ऊपर 60-65-70% मार रहे थे नीचे, तो उस समय बहुत ईजी था, आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, यार ये बैंकरप्ट होती है। अगर आपको लग रहा है कि बैंकरप्ट नहीं हो रही है तो 60-65-70% के बाद स्टॉक गिरता नहीं है। लेकिन बात है कि शेयर बाजार 50 कंपनियों का नहीं है, इंडिया 50 कंपनियों का नहीं है, इंडिया इससे बहुत बड़ा है। बाजार बढ़ेगा फंड्स पे ज्यादा, फंडामेंटल पे कम। 40-50 कंपनियां तो अपना काम कर लेगी, आपको 20-25-30% ग्रोथ मिल जाएगा, बट बाजार और सेलेक्टिव और नैरो, और उम्मीद तो एक ही है कि वो रात को 6, 6:30, 7 बजे शाम को सीएनबीसी बोल देखिए कि आज फेड कितना छाप रहा है नोट, पैसा हमारे पास आएगा, गोल्ड में बहुत बड़ी तेजी होगी, अनप्रेसिडेंटेड तेजी होगी। लेकिन हमको वहीं रहना है जहां बड़े भैया पैसा लगा रहे हैं, हमको अपने आप ज्यादा बुद्धि लगाएंगे तो मुझे लगता है बहुत प्रॉब्लम है। बॉटम 3-4-5% ऑफ बिजनेसेस इनहेरेंटली अनवायबल हो जाएंगे, पहले ही लोग सैलरी नहीं दे पा रहे, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, पहले ही डेट। अच्छा आनंद जी, एक और प्रॉब्लम की बात है, आप इंटरेस्ट रेट सस्ता जितना ही कर दीजिए, एक रोल्स रॉयस में आपको 0% इंटरेस्ट पे दूंगा, आप खरीदेंगे नहीं, आपके हाथ में पैसा आना चाहिए। इंटरेस्ट रेट इज जस्ट वन आस्पेक्ट ऑफ इट, जैसे नवदीप जी ने बोला, लोगों के हाथ में पैसा आना चाहिए, टैक्स पेयर को पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि ये बात तो सही है कि बिलो द पॉवर्टी लाइन वाले की जान बचानी, लेकिन टैक्स पेयर जो है वो ही मॉल्स घूमता है, वो कंज्यूमरिज्म को क्रिएट करता है। आप अमेरिका का कोई भी एंगल देखिए, स्मॉल बिजनेसेस यही बात करते हैं। हमारे यहाँ एसएमई और एमएसएमई, अगर कोई बैंक का एमडी होगा तो पहले अपने रिस्क को बोलेगा, देख भाई तू एसएमई और एमएसएमई को फंडिंग करना कम कर दे। तो अमेरिका तो एक साइड से स्मॉल बिजनेसेस प्रमोट कर रहा है, और हम एसएमई और एमएसएमई में इंटरनली बोलेगा नहीं, हम बोलेंगे इसको भाई तुम रोक दो, इसको पैसे मत दो। प्रॉब्लम डिफिकल्ट है, गवर्नमेंट को तो एकदम फ्रंट फुट, मतलब अभी तो वो है कि के अंदर यूसुफ पठान की आत्मा घुस जानी चाहिए तो ही कुछ होता।